गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सबका हमारे रिकॉर्ड नए व्लॉग में। और आज है डे टू मेरा इस कॉर्डेलिया क्रूज में। लास्ट वाला पार्ट अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने उसमें सारा प्रोसेस आपको बताया था कि आप कैसे इसके अंदर आ सकते हो, टिकट कहाँ से आप बुक कर सकते हो, ए टू जेड सब कुछ मैंने बताया था। और वैसे एक वीडियो में सब कुछ कवर करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इसका दो पार्ट बना देते हैं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा अच्छे से ब्रीफ में मैं सब कुछ समझा पाऊँ। इसमें आपके टिकट के साथ ना बहुत कुछ इंक्लूड रहता है, लाइक थिएटर होता है, डांस होता है, केक शो होता है, बल्ले बल्ले बॉलीवुड डांस थिएटर वगैरह बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हो। वो सब मैं ट्राई करूंगा ये वाले वीडियो में दिखाने का, क्योंकि कल उतना कुछ नहीं दिखा पाया मैं। फिलहाल देख लो अभी सेलिंग किए जा रहे हैं। वैसे अभी मैं मैप में चेक कर रहा था ना, वही रत्नागिरी के आसपास मैं पहुंचा हूं अभी। गोवा अभी भी टाइम है, अगर इसी स्पीड में चलेगा तो मेरे को लग रहा है शाम तक तो पहुंच जाएगा। पता नहीं कल तक का टाइम क्यों ले रहा है ये, जो आपको बता देंगे। फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट बुफे इनका लगता है 8:30 बजे से 10:30 बजे तक। अभी वैसे 9 बज रहे हैं, ब्रेकफास्ट बुफे तो लग चुका है, दिखाते हैं क्या क्या है। ब्रेकफास्ट में तो बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे, और स्पेशली ये वाले सेक्शन में बहुत सारे ऑप्शन है, लाइन पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे ढोकला, मिंट चटनी और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, इडली सांभर, मीडियम बड़ा, वेजिटेबल उत्तपम। यहाँ पे देख लो रोस्टेड चिकन सॉसेजेस एंड पेपर वाइट गार्लिक मसाला ऑमलेट, और क्या है चॉकलेट पैनकेक। हाँ जी, तो देख लो ये मैं अपना ब्रेकफास्ट लेकर आ गया हूँ। ऑप्शन बहुत सारा था, बहुत कुछ था, ये मैंने साइड से ले लिया। एक्चुअली क्या है ना, काउंटर सब में बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए मैंने इसको अलग से लाकर रख दिया है। बार बार उधर कौन जाएगा, बस एक दो बार पानी के लिए शायद जाना पड़े मुझे। इडली बहुत बढ़िया है, अभी तक ट्राई करके ये पता चला कि इनका साउथ इंडियन तो काफी अच्छा है। अभी ये देखते हैं ढोकला कैसा है। बढ़िया है, ढोकला भी बढ़िया है। तो ओवरऑल मैंने इनका ब्रेकफास्ट ट्राई किया भाई, सब कुछ काफी बढ़िया लगा। कुछ भी मैं इसमें नहीं बोलूंगा कि नहीं यार मजा नहीं आया उतना, अगर सब कुछ ही काफी बढ़िया है। बाकी मैंने इनका ये सॉसेजेस और ये मसाला ऑमलेट भी ट्राई किया, ये भी बहुत बढ़िया है। बाकी इनका साउथ इंडियन खाना सब मेरे को बहुत अच्छा लगा, और साथ में आपका ढोकला बोलो या फिर खमन बोलो, ये भी बहुत अच्छा है। देख लो भीड़, इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, जाता हूँ एक ही बार ज्यादा करके लेकर आ जाता हूँ ताकि बार बार ना जाना पड़े। हाँ जी, तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया कम्प्लीट, और मैं आ गया हूँ अभी ऊपर वाले डेक पे। अभी लग चुका है असली भीड़ पूल में, म्यूजिक वगैरह भी पूरा स्टार्ट हो गया है। अभी इतना लाउड म्यूजिक बज रहा है ना, इसलिए ज्यादा मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो हो जाएगा भैया आ जाएगा कॉपीराइट मुझे, इसलिए मैं एकदम तेज और एकदम लाउड बात कर रहा हूँ। ऊपर का माहौल एकदम कमाल का है। वैसे तो मैंने अपना वो जो कार्ड है ना, जो रूम की होता है, उसको मैंने रिचार्ज नहीं करवाया था, लेकिन आप रिचार्ज करवा लेना। एक्चुअली क्या होता है कि आपको बीच बीच में ऐसा कॉकटेल वगैरह पीने का मन किया, सॉफ्ट ड्रिंक लेने का मन किया, तो वो आप नहीं ले पाओगे, तो रिचार्ज करवा लेने से ज्यादा बेटर है। थोड़ा ही रिचार्ज करवाना, ज्यादा नहीं, और जो आपका खर्च होगा होगा, नहीं होगा आपको जब क्रूज को आप डिवोट करोगे तब आप वो पैसा ले सकते हो। लंच बुफे कब लगेगा और टूर्नामेंट वगैरह कब होगा, अभी जैसे बता रहे हैं कि 1 या 1:30 बजे टूर्नामेंट होने वाला है। वैसे यहाँ पे देख लो लंच, हाई टी एंड डिनर तीनों का टाइमिंग दिया हुआ है, इवन मिडनाइट सैंडविचेस का भी टाइमिंग दिया हुआ है। अच्छा, मिडनाइट में सैंडविचेस मिलता है, लास्ट वाला तो मिस हो गया था मेरा, मैं सो गया था। तो ये कुछ टाइमिंग है, देख लो 1:30 बजे आना पड़ेगा मुझे वापस से लंच के लिए, फिर हाई टी के लिए 4:30 बजे, डिनर के लिए 8:30 बजे। लंच मेन्यू में ये सब रहेगा, वीडियो को पॉज करके देख लेना आप लोग। अभी रेस्टोरेंट पूरा खाली है। हाँ जी, अभी जस्ट मैं अपने रूम आया, और रूम आकर देखा ना तो मेरे रूम में वैसे वाटर बॉटल देकर चले गए थे। ऐसे जब मैं कल रूम में चेक इन किया था ना, तब 4 वाटर बॉटल ऑलरेडी था, तो अभी रूम में जब मैं वापस से आया ना तो वापस से वाटर बॉटल देकर चले गए वो। और अभी देख लो पूरा बेड वगैरह कैसा हाल हो गया था, लेकिन अभी जैसे ही रूम में आया सब कुछ एकदम, कर्टन्स वगैरह देख लो, बेडशीट वगैरह देख लो, सब कुछ एकदम बढ़िया से करके चले गए। 4 वाटर बॉटल्स मुझे कल मिला था, और वापस से देख लो 4 देकर चले गए। वॉशरूम भी क्लीन हो गया होगा। हाँ जी, तो वॉशरूम भी पूरा क्लीन कर दिए हैं, बाकी रूम भी एकदम क्लीन, और ये देख लो बाहर के नजारे बढ़िया। एक काम करते हैं, अभी टाइम है थोड़ा मेरे पास, तो एडिटिंग कर लेते हैं। रूम में आते ही मैं अपने एडिटिंग में लग गया, तो एक काम करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम है मेरे पास। वैसे मैं जा सकता हूँ, थोड़ा घूम सकता हूँ, कुछ ना कुछ शो हो रहा होगा, लेकिन दिखा के कोई फायदा नहीं है, वो कॉपीराइट का सीन आ जाएगा, मैं म्यूजिक दिखा नहीं पाऊंगा आप लोगों को। लाइव म्यूजिक भी बहुत सारा हो रहा है, शाम को मैं दिखा दूंगा जाकर, तो वो सब भी मैं जाके अभी ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन अपने को करना है काम, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो वीडियो टाइम पे नहीं आएगा। तो ये नजारा देखते हुए काम करते हुए जाना है, फिर एक ही बार जब 1:30 बजेगा अपना लंच का टाइम होगा तो लंच के लिए जाएंगे, वो भी दिखा देंगे लंच में क्या क्या है।
हाँ जी, तो अभी मैं आ गया हूँ लंच करने के लिए, और हमेशा की तरह मैं जब भी आ रहा हूँ ब्रेकफास्ट या फिर लंच करने के लिए, अभी टाइम कितना हो रहा है, मैं निकलने वाला तो वैसे 1:30 बजे था, लेकिन एडिटिंग का बहुत सारा काम बचा हुआ था, वही निकलते निकलते लगभग 2:30 बज गया। वही देख लो बुफे काउंटर, अच्छा खासा लाइन भीड़, खाना में देख लो ये सब ले लिया है मैंने, ये तो सूप बढ़िया लग रहा था, और बाकी ये नज़ारे देख लो। वैसे आज मुझे मिला है काफ़ी मस्त सीट, ये देख लो नज़ारे, साथ में खाना, और क्या चाहिए। और वैसे मैं बता दूँ क्या क्या मैंने लिया, ये एक चाट जैसा ऑप्शन था, ये कुछ वेज बिरयानी था, चिली चिकन या चिली फिश था ये मुझे याद नहीं आ रहा है, ये हैदराबादी चिकन है, साथ में ये हरा भरा कबाब, ये टोमेटो सूप देखकर बहुत बढ़िया लग रहा था। अभी मैंने इनका लंच ट्राई किया भाई, लंच में ईच एंड एवरीथिंग, सभी का सभी कुछ बहुत बढ़िया है, और कुछ कुछ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली ये राइस और ये हैदराबादी चिकन, मतलब इसके ग्रेवी के साथ, और ये साथ में हरा भरा कबाब, ये इतना टेस्टी है ना, मज़ा आ रहा है खा के, और साथ में ये तंदूरी रोटी के साथ ये सेजवान चिली फिश, भाई ये कॉम्बिनेशन सुन के आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन बहुत ही टेस्टी लग रहा है, मैक्सिमम इधर जो भी आप देख रहे हो कमाल का लगा। वैसे तो डेजर्ट में था ऑप्शन, लेकिन मैंने बस ये केसरी फिरनी लिया है, और यहाँ पे ये जो है ना, मेरे को जॉम्बी का स्टोरी बताया जा रहा है, जॉम्बी के बारे में कुछ बताओ। तो लंच करने के बाद अभी मैं आ गया हूँ इनके 5th फ्लोर पे, जो कि बोल सकते हो आप इनका मेन फ्लोर है, यहीं पे देख लो सारा इन्फॉर्मेशन डेक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, लाइक अगर आपको इंटरनेट चाहिए या फिर कुछ भी रिचार्ज वगैरह कराना है तो उन सब के लिए काउंटर है यहाँ पे। अभी मुझे लेना है वो कॉर्डेलिया टुडे का एक आता है ना टेम्पलेट टाइप, लाइक क्या क्या आज करने का है वो सब पूछना पड़ेगा मुझे। क्रूज तो मस्त अपना चले जा रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि चल रहा है या फिर ऐसे ही रुका हुआ है, मैप में दिखा रहा है कि बस गोवा पहुंच ही गए, लेकिन पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगा, सुबह का 7 बज जाएगा, चारों ओर देख लो समंदर ही समंदर, कुछ नहीं है। ये शिप में ना आधा टाइम आपका खाते पीते ही निकल जाएगा, आप जब तक अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके रूम जाओगे लंच का टाइम हो जाएगा, जब लंच कंप्लीट करके रूम जाओगे तब हाईटी का टाइम हो जाएगा, फिर हाईटी जैसे कंप्लीट होगा फिर डिनर, फिर मिडनाइट स्नैक्स, खाते पीते टाइम निकल जाएगा भाई, बैक टू बैक इतना सारा खाना देते हैं भाई। अब ऐसा भी है ना, इतना ज्यादा पैसा लगा हुआ है छोड़ भी नहीं सकते। अभी देखते हैं हाईटी में क्या क्या है। सबसे पहले ये असॉर्टेड कुकीज एगलेस, यहाँ पे ये मुंबई टोस्ट सैंडविच, ये एक सैंडविच है भैया, इधर रहता है सारा टी कॉफी पानी वगैरह का ऑप्शन, यहाँ भी सेम ही है, इधर में ना इनका एक जैन काउंटर लगता है। अच्छा जलेबी मिल रहा है बट ये पेड है, 5 पीसेस, अच्छा 5 पीसेस का $3.50 प्लस टैक्सेस। तो ये हाईटी है जो कि 4:30 बजे से स्टार्ट हुआ है, 6:30 बजे तक रहेगा, और मैं आया हूँ कितने बजे देख लो, 6 बजे मैं आया हूँ। वैसे आप लोग वीडियो पॉज करके ना ये वाला पढ़ लो, लाइक कौन से फ्लोर में क्या है क्या नहीं है। 10th फ्लोर तो तब से घूम ही रहे हैं, 11 भी घूम ही लिए हैं, 5th तो इनका लाइक जब एंटर करोगे तब ये दिख जाएगा, 4th में तो खैर मेरा रूम ही है, बाकी इसके अलावा देखते हैं और क्या क्या जा सकते हैं। 6th में जाने का प्लान हो रहा है मेरा, 6th में। हाँ जी, तो अभी मैं इनके 7th फ्लोर में हूँ, ये इनका इंटरनेट कैफे है, इंटरनेट तो खैर पता नहीं है या नहीं है, ऐसा जगह बना हुआ है आराम से आप बैठो काम करो, इंटरनेट तो खैर यहाँ मिलेगा नहीं। और ये वाला फ्लोर मैंने कल दिखाया था आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो में, द रॉयल शॉप्स, मतलब काफी महंगा सब था, $10.89 का एक संख मिल रहा है। किचन आप ले सकते हो घर वालों के लिए, $1 का है, लेकिन यही है मैंने अभी तक रिचार्ज नहीं करवाया, ये तो घर वालों के लिए ले जाता, ये भी किसी को आप दे सकते हो। डिजाइनर मॉप क्लच $98.89, भाई $100 समझो, बाकी यही सब चीज है। और द रॉयल शॉप्स वगैरह के अंदर में मैंने सब कुछ दिखाया हुआ है क्या है, कसिनो भी इनका इसी फ्लोर में है लेकिन वहाँ रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, और ये इनका मेन डेक है मैंने बार बार बताया हुआ है 5th फ्लोर, आप अगर इस क्रूज के अंदर एंटर भी करोगे ना इसी फ्लोर में करोगे, और सारा जो लॉयल्टी डेस्क वगैरह मेन डेस्क वगैरह सब कुछ इसी फ्लोर में है। हाँ जी, अभी मैं घूमते घूमते अपने 4th फ्लोर में ही आ गया हूँ, जिस फ्लोर में मेरा रूम है, मतलब जिस डेक में मेरा रूम है, और उसी सेम डेक में एक रेस्टोरेंट भी है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट और स्टारलाइट डाइनिंग, तो ये शायद 7:30 या 7 बजे ओपन होगा, अभी और 15-20 मिनट टाइम है। और ये वाला पार्ट एक बार आप देखो, वो टाइटैनिक मूवी का याद नहीं आ रहा है भाई, सोचकर डर लग रहा है, देखो रात में अगर अकेला छोड़ दिया जाए ना मुझे, मेरा तो भाई बैंड बज जाएगा पूरा। और ये बहुत पुराना शिप है भाई, तो भाई ये इसको USA से इंडिया सितंबर में लाया गया था। वो हाईटी के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने के बाद मैं आ गया था रूम में एडिट करने के लिए, और अभी शाम को वो एक पर्ची देकर गया जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, सुबह कितने बजे आना है। अभी 10th फ्लोर में आ गया डिनर करने के लिए, हाँ भाई बस खाना ही हो रहा है इसमें अपना, सुबह से शाम तक खाना ही खा रहे हैं। तो यहाँ पे डिनर जो बुफे है 8:30 बजे से स्टार्ट हुआ है और 10:30 बजे तक रहेगा, और ये देख लो डिनर मेन्यू है, ये सारा ऑप्शन है, मैं बता रहा हूँ ना खाना ही खाना है यार, आप परेशान हो जाओगे खाना खा के। बहुत सारे एक्टिविटीज भी हो रहा है वहाँ पे, जैसे कि आपका रॉक क्लाइंबिंग वगैरह बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है यार, बस खाना घूमना फिरना यही है अपना।
वहाँ देख लो डिनर बुफे के लिए अच्छा खासा भीड़ लगना स्टार्ट हो गया है। मैं अपना खाना लेकर आ गया हूँ भाई। सबसे पहले ले लिया मैंने ये सूप, मटन, सोया चाप, चिकन। खाने का ऑप्शन तो बहुत बढ़िया बढ़िया था, जो बढ़िया लगा सभी ले लिए हैं भाई। टेस्ट कर लेंगे, बता देंगे सबसे अच्छा कौन सा लगा। डेजर्ट का भी बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए जाना पड़ेगा उधर। भाई आज का खाना खा के ना मजा आ गया, खाना इतना टेस्टी हो रखा था ना, डेजर्ट के पास तो गया ही नहीं मैं, बहुत टेस्टी हो रहा था खाना। ये पूरा इनका बुफे काउंटर है, देखो वहां से पूरा यहाँ तक है, वहां से फिर यहाँ तक है, मतलब दो जगह उन लोगों ने सेम काउंटर बना रखा है ताकि रश ना हो ज्यादा, फिर भी रश है। और ये सारा इनका डेजर्ट काउंटर, अभी एकदम मन नहीं कर रहा है कुछ खाने का, इसलिए इसको स्किप ही कर रहा है, पूरा पेट भर गया है। और ना अभी थोड़ा फील हो रहा है कि ये जो क्रूज है चल रहा है ऐसे ऐसे, थोड़ा बहुत हिल रहा है। ये इनका जैन काउंटर है जो कि मैं भी बंद हो गया है। ये पूल का पानी देखकर आप आइडिया लगा लो ये जो क्रूज है कितना हिल रहा है, बहुत ज्यादा हिल रहा है। म्यूजिक बहुत लाउड है इसलिए मैं ज्यादा कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। और मौसम भी खराब है, देख लो बारिश हो रखा है। यहाँ पे मैं आया था लेकिन यहाँ पता चला ये जो है चार्जेबल सो है। हाँ जी, तो अभी एक पोपट हो गया एक्चुअली, ये जल्दी जल्दी डिनर करके मैं आया क्योंकि एक सो था जो वैसे तो जो मेरा सारा जो मेरे पैकेज में इंक्लूड था वो सारा सो वाले टाइम मैं अपने वीडियो को एडिट कर रहा था या फिर मैं अपने रूम में था या फिर उस टाइम कुछ कर रहा था मैं, तो एक भी सो नहीं देख पाया। तो अभी एक जो सो देखने भी गया वो चार्जेबल सो है, लाइक उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा। मैं बोला चलो ठीक है भाई, निकल जाते बाहर। फिर मैं सोचा कि चलो काम करते हैं टिकट ले लेते हैं, बट मैडम ने कहा कि सर प्लीज नो वीडियोग्राफी एंड नो फोटोग्राफी फॉर दिस शो। मैं बोला नहीं है तब तो नहीं लेना है। वैसे भी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं सोचा था कि चलो अगर मैं जाता हूँ तो आप लोगों को दिखा दूंगा थोड़ा सा, वो दिखा ही नहीं पाऊंगा तो फिर वो टिकट लेके क्या फायदा। ये वाला जो पार्ट है ना इस क्रूज का सबसे मेन डेक बोल सकते हो आप। और ये तो भाई क्या सही लग रहा है, लग रहा है मैं कुछ अलग से ही फ्यूचर वाले होटल में आ गया हूँ। तो देख लो भाई, हमेशा की तरह मेरा इस बार का भी मिडनाइट स्नैक्स छूट गया। रात में मैं आया सोचा एडिट करके चला जाऊंगा, लैपटॉप बंद हुआ, ना एडिटिंग हुआ ना ऊपर में जा पाया, अब बस सो गया। सुबह उठ के देख रहा हूँ तो भाई देख लो सुबह का 5:30 बज गया, और कल रात में वो ये देखकर चले गए थे कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाएगा 5:30 बजे से, जो कि स्टार्ट हो गया होगा। मीटिंग पॉइंट बनाया गया सुबह 6:30 बजे, तो यहाँ भी जाना होगा डेक नंबर 5 पे, फिर डेक नंबर 8 पे, बहुत सारा कुछ है, वीडियो को पॉज करके देख लेना। और एक बात है, जब भी आप कोडेलिया क्रूज में आओगे ना तो आप ये जरूर ले लेना इनके डेक से कोडेलिया टुडे। तो इसमें क्या होता है ना, हर दिन का इन्फॉर्मेशन लिखा रहेगा आपको, कितने बजे क्या करना है, कितने बजे क्या होगा, ब्रेकफास्ट कितने बजे होगा, सो टाइमिंग कितने बजे होगा। हालांकि ये मुझे थोड़ा लेट पता चला, अगर ये मेरे पास रहता तो मेरा एक भी सो मिस नहीं होता, मेरा तो मैक्सिमम सो ही मिस हो गया। अभी फटाफट मैं अपना सामान पैक कर रहा हूँ, एडिटिंग तो खैर छोड़ो अब गोवा होटल में जाकर ही होगा। मिडनाइट सैंडविचेस तो नहीं दिखा पाया, अभी जाके देखते हैं ब्रेकफास्ट क्या होगा वो दिखा देंगे। तो अभी सुबह 5 बजे मैं आ गया हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट स्टार्ट भी हो गया है। ये जो ब्रेकफास्ट है ना 10 मिनट में स्टार्ट होगा, बट ये पेस्ट्री वगैरह मैं अभी ले सकता हूँ। तो अभी टाइम देख लो सुबह का लगभग 6:05 बाकी है, और ये मैंने ले लिया है अपना चाय मस्त सुबह सुबह। हाँ जी, तो ब्रेकफास्ट इनका ओपन हो गया है, ब्रेकफास्ट में बहुत सारा आइटम है इनका, मतलब साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, हर टाइप का ब्रेकफास्ट में ऑप्शन है। ये देख लो अपना चाय तो है ही, ये मैंने ले लिया अंडा भुर्जी, चिकन सॉसेजेस, तो मस्त एकदम सुबह सुबह यही होने वाला है मेरा ब्रेकफास्ट, खाते हैं फिर निकलते हैं। फिर 6:30 बजे 5th नंबर डेक पे भी जाना है, वो भी जाते हैं। हाँ जी, तो अभी ब्रेकफास्ट करके मैं आ गया हूँ इनके एकदम टॉप वाले डेक पे, पता नहीं आवाज आ रहा होगा कि नहीं क्योंकि बहुत तेज हवा चल रहा है अभी। और ये देख लो बस गोवा पहुंच गया मैं, जितने भी लोग गोवा से देख रहे हो सभी को हाय हेलो। देखते ही देखते गोवा पहुंच गया मैं, देख लो नीचे पूरा वो बाहर निकलने का पूरा तामझाम लग रहा है। सुबह सुबह देख लो अपना तिरंगा, जय हिंद। बाकी चलो नीचे जाते हैं, मुझे रिसेप्शन में भी जाना था, देख लो कुछ ये माहौल है। फाइनली अपने रूम को चेकआउट करके मैं आ गया हूँ इनके एक थिएटर में, यहाँ पे वेट करने के लिए बैठाया हुआ है, मतलब एक साथ नहीं छोड़ रहे, 1x1 करके छोड़ रहे, 1x1 मतलब जैसे कि पहले 20 लोगों को फिर 20 लोगों को ऐसे ऐसे करके। तो भाई अभी देखो कितना टाइम लगता है, वैसे अभी टाइम कितना हो रहा है, 7:15 हो रहा है। मेन बात है जो एंट्रेंस गेट होता है ना, एंट्रेंस और एग्जिट गेट, वो अभी तक ओपन ही नहीं हुआ था, वो जब ओपन होगा तब तो शायद मेरे को लगता है टाइम नहीं लगेगा। फाइनली 1/2 घंटे बाद मेरा नंबर आया बाहर निकलने का, फाइनली वापस से कार्ड चेक करवाने के बाद बाहर निकल गया हूं मैं। ये देख लो मेरा क्रूज। For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record,
You ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. हाँ जी, अभी मैं क्रूज के बाहर तो आ गया हूँ और ये देख लो क्रूज, ये समझ में नहीं आता लेकिन बहुत बड़ा क्रूज है। देख लो यहाँ से स्टार्ट है ये पूरा, यहाँ से होते हुए पूरा और आगे तक। वाकई में बहुत बड़ा क्रूज है। अभी देखना है गोवा में मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरा जो फ्लाइट है वो रात के 3 बजे, मतलब सुबह के 3 बजे है। अभी सुबह का 8 बज रहा है, तो देखना है क्या करना है क्या नहीं। बाकी का सारा बात देखते हैं, होटल लेते हैं या फिर एयरपोर्ट जाते हैं, क्या करते हैं मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। तो ये क्रूज से निकल के ऑटो ले लिया है मैंने भाई साहब, यहाँ पे जो भसड़ हुआ मैं आपको बाद में होटल में जाके बताता हूँ। हद है। हाँ जी, तो मैंने गोवा अभी एयरपोर्ट के पास में ही होटल ले लिया है अपना। एक्चुअली जब मैं क्रूज से निकल के ऑटो लेने के लिए आया ना, तो भाई मतलब ये जो लोकल टैक्सी एंड ऑटो वाले लोगों का स्कैम होता है ना, मैंने देखा ये हर जगह है। एक ऑटो वाला 5 या 6 किलोमीटर के लिए, मतलब ये गोवा का जहाँ पे क्रूज है ना और एयरपोर्ट ज्यादा नहीं 5 या 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसके लिए 700 रुपया मांग रहा है। फिर दूसरा आया वो 800 रुपया बोला, फिर तीसरा आया वो 500 रुपया बोला। फिर जब वो 500 रुपया में जा रहा था तो पीछे से एक आया बोला कि नहीं 500 रुपये में कौन जाता है, तुमको इधर से नहीं जाना होगा, 2 किलोमीटर आगे चल के जाओ से लेना होगा। क्या मतलब अलग ही वसड़ है वहाँ पे। मेन यूनियन वाले लोग हैं, वही लोग सारा मतलब डिसाइड करते हैं। काफी सारे पैसेंजर को मैंने देखा है जिन्होंने ऑलरेडी अपना कैब वगैरह बुक कर रखा था पहले से, वो उनसे पूछ रहे थे कि बता दो भैया हमारा टैक्सी कहाँ पे आएगा। वो डायरेक्टली बोल रहे हैं यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से यहीं का टैक्सी मिलेगा, जो मिलेगा आपको 2 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, वहां से जाके लेना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। ये बहुत ही अजीब लगा। और आसपास में पुलिस वाले भी थे, मतलब ये यूनियन वाले से ना मैंने देखा है पुलिस वाले भी बहुत डरते हैं, काफी मतलब खराब हालत था। और टैक्सी वाले तो 1200-1000 रुपया बोल रहे थे। खैर वो सब क्या ही बोलूं मैं, खैर छोड़ो, वीडियो अभी काफी अच्छा जा रहा था, वीडियो के बारे में बात करते हैं। क्रूज एक्सपीरियंस आप लोग ले सकते हो, एक्सपेंसिव है नो डाउट, मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। ये जो क्रूज का टिकट प्राइस है मुंबई टू गोवा 2 नाइट्स के लिए 60,000, जिसमें 5 टाइम का मील इंक्लूड रहता है। जब से आप बोर्ड करोगे तभी से खाना पीना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको ये सारे काम के टेंशन से साइड होकर छुट्टी मनाने के लिए बाहर जाना है तो ये क्रूज वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। महंगा तो बहुत है लेकिन ये जो 2 दिन का एक्सपीरियंस रहेगा ना, ये यादगार रहेगा। फिलहाल ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, अभी मेरा प्लान हो रहा है गोवा में आसपास जो जो अलग सा जगह है, मतलब सेम जगह नहीं जो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा रखा है, थोड़ा अलग टाइप का जगह सब विजिट करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो फिलहाल यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय।